यूपी 9 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी जाकर विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद में सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए। इस दौरान सीएम योगी ने अयोध्या में दीपोत्सव को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने अयोध्या की भव्यता देखी है। 90 के दशक में अयोध्या में कर्फ्यू लगते थे और अब दीपोत्सव मनाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगर बनाने की तैयारी कर रही है और सबसे सुंदर नगर बनाया जाएगा। इसके लिए योजनाओं पर काम भी चल रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हनुमानगढ़ी पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही हनुमान जी से आशीर्वाद भी लिया। अयोध्या की दीपोत्सव का साक्षी कल न केवल अयोध्यावासी बल्कि उत्तर प्रदेश, देश और दुनिया बनी है। 54 देशों के राजनयिकों ने भी आकर के नई अयोध्या के दर्शन किए हैं। दीपोत्सव का भव्य रूप उसी श्रृंखला का हिस्सा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। दीपावली का यह पर्व अच्छाई के लिए, एक सकारात्मक भाव पैदा करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का हम सब के लिए एक माध्यम है और इस अवसर पर हम सब का प्रयास होना चाहिए। अयोध्या राम राज्य की भूमि है। राम राज्य में हर तबके के लिए, एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक जनजाति, हर समाज के लोगों के लिए पूरा सम्मान है। उसके आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार के अवसर हैं। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसी विजन के अनुरूप कार्य कर रही हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि गत 7 वर्षों से उसी अयोध्या में, जहां पर 90 के दशक में और 80 के दशक में कर्फ्यू, अराजकता, अव्यवस्था का शिकार न केवल मठ मंदिर राम भक्त होते थे बल्कि यहाँ का व्यवसायी, यहाँ का नागरिक भी होता था, उससे एक मुक्त होकर के एक नई व्यवस्था, एक नए युग की ओर आज हमारी इस अयोध्या ने प्रवेश किया है। और उस अयोध्या के प्रवेश का दीपोत्सव का कार्यक्रम उसमें मील का पत्थर साबित हुआ है। अब हमारा दायित्व है कि केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर जो कार्यक्रम, विकास की योजनाएं, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में प्रस्तुत करने का जो अभियान है, इसमें हम भी अपने स्तर पर एक प्रयास करें। सभी लोगों की सहभागिता, जन भागीदारी, उसके माध्यम से इन योजनाओं को समय से आगे बढ़ाने और इनके संरक्षण में हम भी अपना योगदान दे सकेंगे। और अतिथि देवो भवा के उत्तम उदाहरण को प्रस्तुत करने का एक अवसर 22 जनवरी और पूरे जनवरी मास और फरवरी मास में अयोध्या वासियों के सामने आएगा, प्रदेश वासियों के सामने आएगा, उसके लिए हम सब तैयार रह पाएंगे। तो अयोध्या का वैभव और इसकी भव्यता के प्रति दुनिया आकर्षित होगी। मैं एक बार फिर से अयोध्या वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को, सभी राम भक्तों को और पूरे प्रदेश वासियों को मैं दीपावली की अपनी हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए प्रभु श्री राम से और बजरंगबली हनुमान जी से ही प्रार्थना करता हूं कि वह सर्वत्र खुशहाली लाएं, हर एक के परिवार में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में हर्षोल्लास और उमंग का स्थान सदा बना रहे, यही कामना मैं करता हूँ। मेरी मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति। प्रधानमंत्री मोदी ने दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि देश के अपने सभी परिवारजनों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।
ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया आज सुबह ही और उन्होंने सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिवाली के अवसर पर ट्वीट किया शुभकामनाएं दी और लिखा कि असत्य पर सत्य, अत्याचार पर सदाचार और अंधकार पर प्रकाश की विजय के महापर्व दीपावली की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम व माता जानकी की कृपा से ये पावन पर्व आप सभी के जीवन को सुख समृद्धि, सौभाग्य एवं आरोग्यता के धवल प्रकाश से दीप्त करे। गोरखपुर जिले में जंगल तिनकोनिया नंबर 3 के वनटांगिया गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ दिवाली मनाएंगे और इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को 153 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। तो गोरखपुर वासियों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 153 करोड़ की सौगात भी देंगे और साथ ही वनटांगिया गांव में मुख्यमंत्री दिवाली मनाने के लिए जाएंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही दिवाली के अवसर पर गोरखपुर वासियों को दिवाली का गिफ्ट भी देंगे। कई बड़ी स्वागतें, जल का शिलान्यास और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। तो इससे पहले अयोध्या की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और आगे भी कई कार्यक्रम है सीएम के जिसमें सीएम शिरकत करेंगे। यूसीसी को लेकर बड़ी खबर है, उत्तराखंड में कुछ दिनों से यूसीसी लागू हो सकता है और यूसीसी के लिए बनाई गई कमेटी कुछ दिनों में सरकार को रिपोर्ट भी सौंप सकती है। वहीं उत्तराखंड सरकार का विधानसभा में विशेष सत्र भी है तो इसको लेकर आगे आपको खबर बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें, गोरखपुर से खबर मिल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी है आज गोरखपुर में और साथ ही जिसको लेकर तैयारियां लगभग पहले से ही पूरी कर ली गई थी और साथ ही सीएम की तस्वीरें अब आपको आगे दिखाते हैं। तो ये गोरखपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं और मंच पर मौजूद हैं और साथ ही दिवाली का जो पर्व है वो काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज गोरखपुर वासियों को 153 करोड़ की सौगात सीएम द्वारा दी जाएगी और इसके अलावा कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया है। जब गोरखपुर पहुंचेंगे तो पहले मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी कर सकते। तो आपको बता दें कि गोरखपुर जिले में जंगल तिनकोनिया नंबर 3 के वनटांगिया गांव में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और दिवाली यहीं पर आज मुख्यमंत्री मनाने वाले हैं। इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मंच से ये तस्वीरें, दीप प्रज्वलन के दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में रामगोपाल छूट गए हैं, रामगोपाल का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल, मंच से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कि दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और साथ ही क्या आज बड़ी सौगात जो देने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ उससे कैसे सीधा फायदा जनता को मिलने जा रहा है? सबसे पहले अपडेट ये कर दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी गोरखपुर में आए नहीं है, वो जो तस्वीरें हैं वो अयोध्या की हैं शायद, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी इस वक्त अयोध्या के कार सेवकपुरम में मौजूद हैं और वो वहाँ पे जो राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं महंत परमदास जी उनके साथ अल्पाहार करेंगे और अल्पाहार करने के बाद फिर 9:30-10 के करीब वो अयोध्या से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। 10:30 बजे के करीब वो गोरखपुर पहुँचेंगे और गोरखपुर में जिस वनटांगिया गाँव में जंगल तिकोनिया नंबर, तो तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं, ये अयोध्या की तस्वीरें हैं। आप तस्वीरें देखिए जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतों से मुलाकात कर रहे हैं। जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी कि अयोध्या में साधु संतों के साथ में मुलाकात का कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं संतों से मुलाकात करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। इससे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद में साधु संतों से मुलाकात करने के लिए आए। कुछ बड़ी बातें हैं जो संतों के द्वारा आज सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भी रखी जा सकती हैं और सीएम देखिए मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ही देर बाद संबोधित भी कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, काफी भव्य तरीके से सजाया भी गया है और दिवाली का पर्व है तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में दिन भर शामिल होंगे और संतों से मुलाकात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की, बाद में रामलला के दर्शन किए और अब साधु संतों से मुलाकात करते हुए ये तस्वीरें आप देखिए। तो जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कुछ बड़ी बातें जो लगातार सीएम के सामने रखी जा रही थी साधु संतों की तरफ से, उन पर भी कुछ बड़ी घोषणा आज मुख्यमंत्री कर सकते हैं। हालांकि वो अपने संबोधन में क्या कहते हैं सुनना बेहद ज्यादा अहम हो जाता है। तो तस्वीरें आप देखिए, जब यहाँ पर पहुंचे तो साधु संतों की तरफ से उनका स्वागत भी किया गया और मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में साधु संतों से जो मुलाकात का कार्यक्रम है वो भी शुरू हो जाएगा। और देखिए एक एक कर जो साधु संत हैं और तमाम लोग वहां पर मौजूद है कार्यक्रम में, वो भी मिलने के लिए मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो संतों से सीएम की मुलाकात ये बेहद खास, और कार सेवक पुरम इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ये वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आदरणीय पुरुषोत्तम जी, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देखिए, आदित्यनाथ जी को वस्त्र भेंट करेंगे अयोध्या से, जहां पर साधु संतों के साथ में मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। और ये देखिए गले में साफा पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। तो एक एक कर सभी सीएम का स्वागत कर रहे हैं, आभार जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक तरफ विशेष पूजा अर्चना भी हो रही है, मंत्रोच्चार की ध्वनि भी आपको सुनाई दे रही होगी, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें अयोध्या से। अयोध्या को लेकर कई बड़े ऐलान भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए। उन्होंने कहा कि सबसे सुंदर नगरी बनाई जाएगी। राजीव ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। राजीव, अयोध्या से तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं, साधु संतों से मुलाकात के क्या मायने, और साथ ही क्या कोई बड़ी घोषणा भी यहाँ से सीएम कर सकते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव के बाद परंपरागत तौर पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी का दर्शन करते हैं, फिर रामलला जाकर राम जी का दर्शन पूजन। तो बिल्कुल देखिए, हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले हनुमानगढ़ी, उसके बाद में रामलला के दर्शन किए सीएम ने, और अब साधु संतों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद है अयोध्या में। राजीव, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो प्लीज तस्वीरों को जरा आप बताइए कि इस वक्त मुख्यमंत्री मौजूद है मंच पर, हम देख पा रहे हैं, आगे क्या कुछ खास रहने वाला है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के स्थित कार्तिकपुरम में साधु संतों से मुलाकात कर उनका सम्मान कर रहे हैं, और ये हर बार जब दीपोत्सव के बाद मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो दीपावली के दिन सबसे पहले हर एक छोटे बड़े साधु संत से मुलाकात करते हैं। उसी के क्रम में इस वक्त कारसेवकपुरम में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करके जो अयोध्या के प्रतिष्ठित संत हैं, साधु हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, और इस साधु संतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रामकथा पार्क पहुंचकर गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो वनटांगिया समाज के बीच जाकर दीपावली मनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के कारसेवकपुरम में साधु संतों का सम्मान कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि राम जन्मभूमि न्यास के सचिव चंपत राय समेत तमाम जो अयोध्या के प्रतिष्ठित संत हैं, वो रामविलास वेदांती, धर्मदास जैसे तमाम संत इस वक्त इस कारसेवकपुरम में जो साधु संतों के सम्मान कार्यक्रम है उसमें मौजूद नजर आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली के मौके पर उनका आशीर्वाद लेकर दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। राजीव, प्राण प्रतिष्ठा में भी बड़ी संख्या में साधु संतों के पहुंचने की जो उम्मीद है वो जताई गई, इन्विटेशन भी दिया गया है, तो क्या उस मुद्दे पर भी आज इस मुलाकात में बातचीत हो सकती है? जिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या में दीपोत्सव साधु संत, तो देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है वो आज का बेहद खास है। दिवाली भी मनाएंगे गोरखपुर में, और इसके साथ ही जो फिलहाल आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं ये अयोध्या से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं और उनके आसपास बड़ी संख्या में साधु संत जिनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, और आगे भी कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। आ,
और ज्यादा जानकारी के साथ में रामगोपाल भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रामगोपाल, अभी मुख्यमंत्री अयोध्या में मौजूद है, लेकिन उसके बाद में उनका गोरखपुर जाने का भी कार्यक्रम है। वनटांगिया गांव में पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली मनाएंगे, और इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह की जानकारी मिल पा रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसके अलावा वनटांगिया गांव में किस तरह का उत्साह है लोगों का, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री गांव में पहुंच रहे हैं वो भी दिवाली मनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, और अयोध्या में उस केंद्र पे मौजूद हैं जहां से राम जन्मभूमि और राम मंदिर आंदोलन चला करता था, कारसेवकपुरम। और कारसेवकपुरम में मौजूद साधु संतों से वो मुलाकात कर रहे हैं। राम जन्म मंदिर का जो है वो मंदिर का अब लोकार्पण होना है, तो उसकी कड़ी में आज साधु संतों से मुलाकात करेंगे, लेकिन वहां से निकलने के बाद वो सीधे गोरखपुर के उस बनटांगिया गांव में आएंगे जो बरसों से उपेक्षित थे। ये वो लोग हैं जिनको आज़ादी के बाद भी सरकारें आती रहीं, सरकारें चली गई, लेकिन इनको मूलभूत सुविधाएँ तक नहीं मिली। इनके पास 1995 के पहले तो वोटिंग का अधिकार नहीं था, 2007 के बाद इनको वोटिंग का अधिकार मिला, वो भी तब जब मौजूदा सांसद योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए संसद सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी, और उसी का नतीजा यह रहा कि 2009 से लेकर लगातार वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यहाँ पे इस गांव में आते हैं और दीपावली मनाते हैं। 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उसके बाद से लगातार आ रहे, लेकिन जब वो सांसद थे तब भी वो इस गाँव में आते थे। इन बनटांगिया लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक बार वन विभाग ने मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा तक कर दिया, तब तत्कालीन सांसद थे उनके ऊपर मुकदमा भी कर दिया गया था, क्योंकि वहां पे स्कूल नहीं थी, वहां पे सुविधाएं नहीं थी, बच्चे घूम रहे थे, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए गोरखपीठ के द्वारा एक टीन सेट में छोटा सा स्कूल उन्होंने वहां पे खोल दिया। चूंकि वन विभाग के नियम के अनुसार वहां टीन सेट नहीं रखा जा सकता था, 4 फीट से अधिक ऊंचाई पे छप्पर की झोपड़ी रखी जा सकती थी और उस पे और कोई निर्माण नहीं हो सकता था, चूंकि वहां पे ईंटे की दीवार उन्होंने खड़ी करवा दी थी, इसलिए उन पे मुकदमा तक हो गया था। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बनटांगिया ना सिर्फ जंगल तिकोरिया नंबर 3 बल्कि गोरखपुर में 4 अन्य गांव और हैं, गोरखपुर में 5 गांव, महाराजगंज में और गोरखपुर मंडल के साथ साथ देवीपाटन मंडल, ये जितने भी बनटांगिया। बिल्कुल रामगोपाल, सीएम का फोकस है कि उत्तर प्रदेश के हर एक कोने पर विकास पहुंच सके, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी आगे भी आपसे लेंगे। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।